देश में 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। ट्राई का डेटा कहता है कि इन 150 करोड़ में से लगभग 114 करोड़ लोगों के पास वायरलेस कनेक्शन मौजूद है, यानी देश के 114 करोड़ लोगों के हाथों में फोन हैं। इनमें से बहुत से आज भी 2G या फिर 3G सर्विस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देश में तो अब 4G और 5G आ चुके हैं। फिर कैसे इन लोगों को 2G या 3G पर छोड़ दिया जाए, कैसे इन्हें अपग्रेड किया जाए, ये एक जटिल समस्या बन चुकी है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। इसलिए इस समस्या का हल निकाल लिया गया है। हल ये निकला है कि 2G और 3G सेवाओं को परमानेंट बंद कर देना चाहिए, फिर अपने आप लोगों को 4G या फिर 5G पर शिफ्ट करना होगा। और है ना कमाल का आइडिया। ट्राई का डेटा कहता है कि देश में 2G और 3G को इस्तेमाल करने वाले करीब 250 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन अगर इन सर्विसेज को बंद कर दिया गया तो इतनी बड़ी आबादी को 4G या 5G पर शिफ्ट होना होगा, जिसका सीधा फायदा जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया को मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई बंद करना क्यों है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम नाम से एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था हाल के कुछ दिनों में, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स से ये सलाह मांगी गई थी, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने सरकार को देश में 2G या 3G नेटवर्क सर्विसेज को बंद करने की सलाह दी। रिलायंस जियो ने मौजूदा यूजर्स को 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करने के लिए ऐसी सलाह दी थी। कंपनी का कहना है कि ऐसा करने से गैर जरूरी नेटवर्क कॉस्ट बचाई जा सकती है और जाहिर तौर पर इससे 4G और 5G को इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी इजाफा हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल जियो ही 2G और 3G को बंद करने की मांग कर रही हो। इस मामले में VI भी पीछे नहीं है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि 2G और 3G फास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी में बैरियर कहते रहा है, जो डिजिटल डिवाइडेंस बढ़ाते हैं और 5G इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट डालते हैं। इसके साथ ही इन नेटवर्क्स को चलाने में गैर जरूरी कॉस्ट भी लगती है। आज की तारीख में जियो और एयरटेल दोनों टेलीकॉम कंपनियां लगभग एक साल से अनलिमिटेड डेटा प्लान के साथ 4G के रेट्स पर 5G सर्विसेज दे रही हैं। मौजूदा सब्सक्राइबर्स को 5G पर अपग्रेड करवाने के लिए 4G रेट पर ये सर्विस दी जा रही है, लेकिन ऐसा चलेगा कब तक? एनालिस्ट का अनुमान है कि ये स्थिति जल्द बदल सकती है, क्योंकि ये कंपनियां सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने के साथ अपना रेवेन्यू बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इसलिए कंपनियों के 5G प्लान 4G की तुलना में 5-10% तक महंगे हो सकते हैं। वर्तमान समय में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के मुताबिक भारत में वायरलेस ऑपरेटर्स की संख्या 114.8 करोड़ है, जिसमें से जियो के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 44 करोड़ से ज़्यादा है, एयरटेल के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 37 करोड़ से ज़्यादा है और वोडाफोन आइडिया के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 22 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन देश की आबादी कुल टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की संख्या से काफ़ी ज़्यादा है और इसमें से बहुत से लोग जो 2G 3G को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपग्रेड करना ज़रूरी हो गया है कंपनियों के लिए और सरकार के लिए। अब वो अपग्रेड कैसे करते हैं, इसके लिए क्या कदम उठाते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही इस चीज पर कदम उठाया जाएगा तो जाहिर तौर पर 25 करोड़ लोगों के फोन ठप हो जाएंगे, क्योंकि जिनमें 2G 3G सिम चलती है उनमें 4G 5G नहीं चलती, और जहां 4G 5G चलती है वहां 2G 3G का कोई काम नहीं रहेगा। तो जाहिर तौर पर उन लोगों को जिनके हाथ में 2G के फोन हैं, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है अगर सरकार इस फैसले को अमल में लाती है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए।